Everyone, how are you? Well guys, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी समस्या रही है. कहीं ना कहीं बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, इज़न्ट इट? दिस इज मी वेलकम यू ऑल टू माई चैनल. लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, राइट? यार 2019 से पहले, कोरोना से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी चल रही थी, थोड़ी बैलेंस आ रही थी. लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे जिससे कि चीज़ें एग्जीक्यूट, लाइफ एक इम्प्रूव, एक ट्रैक पे है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो. दो इट वॉज 45 ईयर हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एज फार एज मोदी गवर्नमेंट इज कंसर्न, राइट? सो अब जब से कोरोना आ गया तो भाई तुम्हें घर पे ही रहना है. नॉट एवरी पर्सन इज स्किल्ड टू डू ऑनलाइन टास्क एंड ऑल, एंड सडनली कोई ऐसा तो जनरेट, पहले नॉर्मली ऐसे चल रही थी, सडनली ऐसा कोई एक दिन में कोई ऐसा तो ये चीज़ें जनरेट हो जाएंगे, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई कर गए, लोग पास काम नहीं थे, पैसे नहीं थे, जितने भी थोड़े मोटे पैसे उन्होंने दो तीन चार पाँच महीने घर पे रहना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी यार. लोग एक एक हज़ार किलोमीटर यार पैदल जा रहे थे. इट्स नॉट ए ईजी टास्क मैन, इट्स लाइक आई एम सेइंग दिस थिंग इन अ वेरी लाइक, यार एक हज़ार जा रहे थे, लेकिन इट्स अ वेरी 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 डाउंटिंग टास्क, राइट? कहने का मतलब क्या है यार, अनएम्प्लॉयमेंट होगा और साथ के साथ इन्फ्लेशन होगा तो ये गरीबी में आटा गीला ही तो है, और क्या है, है ना? या तो तुम लोगों को पैसा दो जिससे कि वो उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो सके, या एटलीस्ट इन्फ्लेशन को इतना तो कंट्रोल पे रखो जिससे कि जो भी पैसा है, जो भी उनके पास पैसा है, चीज़ों को मैनेज कर पाए. या बहुत लोगों के पास बहुत पैसे नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, जो भी थे, बहुत सारे इंडिया में अप्रोक्स 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ उनका चलता है, उनका डेली काम करना पैसे मिला, डेली काम करना पैसे मिला, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. और इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, और जितने ज़्यादातर पॉपुलेशन के पास पैसे की कमी है, एक फैक्ट है. दिस इज़ समथिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. अभी देखो जैसे कि यार पेट्रोल की प्राइसेस देखो, पेट्रोल की प्राइसेस मध्य प्रदेश में 106 रुपये, अब दिल्ली 96, इन वेस्ट बंगाल उत्तराखंड 93, इस रिवॉल्विंग अराउंड 9, तेलंगाना में 99 रुपीज़, दिल्ली में 96, महाराष्ट्र में 102 रुपीज़, राजस्थान में 102 रुपीज़, तेलंगाना में 99, और इतने सारे देख रहे हो, मध्य प्रदेश में 106, ओडिशा में 96, पंजाब में इट्स ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ यार, कर्नाटका में 98, बिहार में 98. सोच रहे हो बिहार जैसे गरीब स्टेट में 98 होगा तो लोगों की कैसी हालत होगी यार. अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट कोई भी स्टफ हो उस पर पड़ा, क्योंकि यार ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है, और जो नेट कॉस्ट होती है वो ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग उसको ऐड करके ही बनता है. जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, दो दैट स्टफ वाज नॉट दैट कॉस्ट, अगर 30 रुपये था ट्रांसपोर्टेशन में, अगर उसमें 40 रुपये और जुड़ गए, 70 रुपये हो गए, जो कि 50 रुपये तक होने चाहिए थे, तो 20 रुपये कैसे लोग कॉम्पनसेट करेंगे यार? उसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है? या गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा हमें पे करने वाली जैसे यूएसए वाले कर रहे हैं? वैसा तो होने वाला है नहीं, इतनी तो हमारी मर्सीफुल गवर्नमेंट नहीं है जो कि ऑलरेडी इतने सारे टैक्स टोक्स दिस और दैट जो होता रहता है. सो गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है. ऐसे कांग्रेस का सजेशन था कि लोगों के अकाउंट में थोड़े पैसे जरूर डालने चाहिए जिसके कारण उनके पास परचेजिंग पावर इंक्रीज हो, लोगों के पास कुछ तो पैसे हो जिससे वो सरवाइव कर सके, राइट? देखो यार, अगर ऐसा ही चलता रहा, इधर पीपल विल सुसाइड, जो कि आज के टाइम पे, कल ही मैं देख रहा था यार एक हरियाणा के एक गाँव में चार, दो मम्मी पापा एंड दो बच्चे थे, उन्होंने सुइसाइड कर लिया. क्यों यार? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दिस, इधर यू विल डू सुसाइड और डू सम रॉन्ग वर्क, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव मनी, व्हाट यू कैन डू फॉर, इवन यू डोंट हैव मनी टू ईट यार,
there is no any other thing apart from this, right? So I'm just saying the real fact. I'm just clearing out the thing that is happening across India. All I just want to convey is government has to take a right steps. Do at least think about, contemplate to kare yaar. I mean, abhi Modi and Yogi are planning for the UP election and this. UP election is fine, but what about rest of the India? अभी तुम West Bengal में थे, वहाँ पे पड़े थे, उस समय कोरोना सब गायब हो गया था. दो कोरोना was very widely spreaded across India. So, यार बहुत ही horrible है और unemployment का मैं rate बताना चाहता हूँ. इंडिया में अभी 12.3% अनएम्प्लॉयमेंट है. अगर अर्बन की बात करें तो 15.2% इज अ ह्यूज नंबर. रूरल में 11.1% है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एक सेम की बात है, एक लज्जा की बात है, एक अच्छी बात कहीं से भी नहीं है. सो यही कह सकते हैं यार कि गवर्नमेंट को इस पर एक क्विक एक्शन लेना चाहिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए. इन्फ्लेशन को वट एवर थिंग्स पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ही और शी हैज़ टू डू इट, सो दैट कि लोग यहाँ पे एक जी सकें, यू नो. अदरवाइज इज गोइंग टू बी वेरी फैटल, इज गोइंग टू वेरी लेथल, एंड ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा. दिस इज माई सजेशन. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? I would love to know. Comment down below. This is me signing off from this video. Have a great day.